हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गले का बहुत ही सुंदर और आसान डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, किस तरीके से बनाते हैं। तो ये मेरे पास सूट की कटिंग मैंने पहले से कर रखी है और बुकरम पर भी मैंने डिज़ाइन की कटिंग कर रखी है, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारे पास बुकरम पर गले का डिज़ाइन कटा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, ये मैंने जोड़ लगाकर कपड़े को इस तरीके से इसमें बुकरम रखेंगे। कपड़े के ऊपर हमें कपड़े के उल्टी तरफ से बुकरम को रखना है। देखिए, उल्टी तरफ से हमें इसे इस तरीके से रखना है बीच में, और इस पर सिलाई करनी है। मैं आपको मशीन में गले को जोड़ना बताऊंगी किस तरीके से जोड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और इसमें सिलाई कर लेंगे ताकि बुकरम और कपड़ा एक साथ जुड़ जाए। इस तरीके से इसमें सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद आपको सिलाई करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि बुकरम इधर उधर ना खिसके। इसके लिए आप इसे निशान लगा लीजिए पहले, और उसके बाद ही इस पर मशीन से सिलाई करें। तो ये देखिए, मैंने इसे पहले बुकरम कपड़े पर लगा लिया है। इसके बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे साइड से। ये ज़्यादा कपड़ा है, इसे हमें कट कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसमें बचा लेना है क्योंकि इसे हम इसमें फोल्ड करेंगे। कटिंग करने के बाद हमें इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई कर लेनी है। इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। देखिए, ये हमने पूरे उसमें सिलाई कर ली है चारों तरफ से, तीनों तरफ से। और अगर कपड़ा ज़्यादा है तो उसे आप थोड़ा काट लीजिए ताकि बुकरम दिखाई देना चाहिए इसमें, और जहाँ पे मोड़ने में आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पर आप कट भी लगा सकते हैं। कपड़े को इस तरीके से पहले मोड़ लें बुकरम को, इसके बाद हमें सूट पे लगाएंगे इसको। तो हमें सूट पर क्या करना है कि हमें सूट को सीधी तरफ से रखना है सूट को, और इसको उल्टी तरफ से रखना है गले को, और इस तरीके से इसमें किनारे किनारे सिलाई करनी है। देखिए, ये हमारा उल्टा है और बीच में सेंटर पर निशान लगा लेंगे, और ये उल्टी साइड है बुकरम, और सूट का गला हमने सीधी तरफ से रखा है। अब हमें इसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई करनी है, बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी है। और धीरे धीरे पूरे गले में, और अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसकी आप कटिंग कर लीजिए, क्योंकि वो बुकरम के ऊपर उसका बुकरम पर गला नहीं दिखाई देता। अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप उसकी कटिंग कर लीजिए। देखिए, मैंने पूरे में सिलाई कर ली है बिल्कुल किनारे किनारे, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते हुए आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि कटिंग बिल्कुल किनारे पर करनी है, थोड़ा ही कपड़ा बचाना है, और इसकी इस तरीके से देखिए कटिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा कपड़ा रखते हैं तो उसमें फिर मोड़ने में सफाई नहीं आती है और गला अच्छा नहीं बनता है, और गले में हम छोटे कट भी लगा लेंगे। देखिए, ये हमने बीच में कट भी लगा रखे हैं। इसके बाद हमें इसमें सिलाई करनी है। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और इसमें हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसमें हम थोड़ा मोटी सिलाई करेंगे क्योंकि इसमें तुरपाई होती है, और उसके बाद ये सिलाई को हम खोल देते हैं। तो इसमें बिल्कुल बारीक सिलाई नहीं करनी है, इसमें थोड़ा मोटा टांका रखना है मशीन का, और इस तरीके से ऊपर इसमें सिलाई कर लेनी है।
देखिए ये हमने इसमें सिलाई कर ली है। और इसके बाद मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ, इसे ठीक से दिखाती हूँ कि गला बनने के बाद हमें हमारा गला किस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर गला बनकर तैयार है, बहुत ही आसान है और जल्दी भी बन जाता है। देखिए डिज़ाइन इस तरीके से सिंपल डिज़ाइन और बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। आप चाहे तो इसमें पहले किनारे पर सिलाई भी कर सकते हैं और इसमें तुरपाई करने के बाद ये इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। और सिलाई की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो सिलाई का वीडियो सोनी टीनू नाम से उस चैनल है, आप उस पर भी सिलाई की वीडियो देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देख